साहित्य और समाज। आप सब जो पहुंचे हैं, जैसा बार बार जिक्र हो रहा है, साहित्य के साथ एक अलग लगाव आपका रहा होगा और इसीलिए आज इस मंच पर आप सुनने के लिए पहुंचे हैं। तो अब अगले मेहमान जो हैं, उनका तारुफ आपसे कराती हूँ। मृदुला गर्ग दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए, पहली कहानी सन 1971 में प्रकाशित हुई थी और उसके हिस्से की धूप, वंशज, कटगुलाब और चितकोबरा आदि चर्चित उनकी पुस्तकें हैं। साहित्य अकादमी समेत कई सम्मान उनको मिल चुके हैं। तालियों के साथ मृदुला गर्ग जी का स्वागत मंच पर। साथ ही साथ उनके साथ होंगी मैत्री पुष्पा, जो कि हिंदी की जानी मानी और बेबाक विचारों वाली लेखिका हैं। साहित्य कृति सम्मान, कथा पुरस्कार और प्रेमचंद्र सम्मान जैसे कई पुरस्कारों से उनको सम्मानित किया गया है और इनके साथ बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जयप्रकाश जी, साहित्य आज तक के इस महत्वपूर्ण सत्र में महत्वपूर्ण इस लिहाज से कि मृदुला गर्ग जी और मैत्रेयी पुष्पा जी ने जो हिंदी साहित्य को अपनी लेखनी से दिया है वह आने वाली कई सदियों तक प्रभावित करता रहेगा हिंदी जगत को और उसके बहाने भारतीय समाज और पूरी दुनिया को। मृदुला जी का बहुत बहुत स्वागत, मैत्रेयी जी का बहुत बहुत स्वागत। परिचय हमारी सहयोगी दे चुकी हैं, इन लोगों का परिचय किसी एक वाक्य में समाहित नहीं हो सकता। मैं कुछ भी कहूँगा कम कहूँगा, इसलिए मैं सीधे हमारी चूंकि बातचीत मैत्रेयी जी और मृदुला जी दोनों से इस तरह की है कि मैं कोई औपचारिक संवाद नहीं करूँगा, बहुत ही अनौपचारिक बातचीत हम करेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मृदुला जी, आपके आज के दशकों पहले आपने अपने लेखन में स्त्री की आज़ादी, खासकर नगरीय स्त्री की, जो नागर समाज है जिसको हम शहर कहते हैं और सामान्य तौर पर जब हमारा हिंदी साहित्य बन रहा था उस समय शहर की व्यथा तो थी, मध्य वर्ग तो था, लेकिन उसमें स्त्री का अपना जो स्वरूप है, उसकी इच्छाएं हैं और उसमें भी फिर उच्च वर्गीय स्त्रियां जो रही उनको आपने जिस तरह से रचा बसा और आज जो समाज आप देख रही हैं 21वीं सदी में, हम 2022 में हैं, क्या नारी अपने उस स्वरूप को पा सकी जिसकी संरचना आपने की थी? अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री की आज़ादी की बात मैंने नहीं की, स्त्री और पुरुष दोनों की आज़ादी की बात कही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्त्री आज़ाद हो और पुरुष गुलाम रहे। किसी भी गुलाम पुरुष से आज़ादी की इच्छा रखना निहायत जहालत की बात है। इसलिए मेरे जितने पुरुष पात्र हैं वो भी आज़ाद ख्याल हैं। राजेंद्र यादव को बहुत इस बात पर अचरज था कि मेरे किताब में जो पति हैं वो भौंका गाजा नहीं अपनी पत्नी पर, उसके आज़ाद ख्याल होने पर, तलाक लेने पर, दूसरी शादी करने पर और फिर दोबारा मिलने पर ये महसूस करने के लिए कि दरअसल तो ये आदमी जिसको मैं समझती थी कि मेरी तरफ से उदासीन है, दरअसल वो बहुत उदार था। उदार था इसलिए मुझे मेरी तरह से रहने देना चाहता था कि मैं अपनी तरह से रहूं और उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करता था। तो ये जो बातें थी, ये जो पुरुष पात्र हैं जो शायद उन स्त्रियों से जो उनके साथ रह रही थी बेहतर इंसान थे, मगर बेहतर इंसान से प्रेम हो ही हो ये जरूरी नहीं है। पति एक चीज होता है और प्रेमी एक चीज होता है और इंसान एक चीज होता है। बेहतर इंसान से ही प्रेम हो ये जरूरी नहीं है और ये कतई जरूरी नहीं है कि आप किसी को इसलिए छोड़ के दूसरे किसी के पास जाएं क्योंकि वो उसमें दुर्गुण है। हमारे यहाँ हमेशा दिखाया जाता है कि पुरुष मारता पीटता है या शराब पीता है या कुछ कुछ करता है, इसलिए उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया।
दरअसल तो छोड़ना भी जरूरी नहीं है। मेरे पहले ही उपन्यास का अंत इससे होता है कि एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाने से कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कुछ तुम्हें प्राप्त करना है अपने अंदर से प्राप्त करना होगा। स्त्री को जो कुछ मिलना है अपनी अस्मिता से, अपने कर्म से, अपने विचार से, अपने फलसफे से, अपनी राजनीतिक सोच से, अपने भीतर से मिलना है। तो ये जो स्त्री की आज़ादी मेरे नाम के साथ जोड़ दी गई है, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए पुरुष, मुझे पुरुष बहुत प्रिय हैं। मेरे ज़्यादातर दोस्त पुरुष हैं और वो पुरुष आज़ाद ख्याल हैं। कि आज़ाद ख्याल पुरुषों को मैंने अपनी साहित्य में जगह दी, उसके लिए मुझे थोड़ा सा फक्र है। स्त्रियां तो मुझे वो ठीक ही ठाक लगती थी, लोगों को लगती थी कुछ अजब हैं। कुछ लोग कहते थे कि हम इन मृदुला गर्ग की स्त्रियों के साथ जीवन भर नहीं रह सकते, वो बहुत सोचती हैं, वो बहुत तर्क करती हैं, वो अपनी तरह से जीना चाहती हैं। ये हमारी जो दोनों लेखिकाएं हैं उनको पुरुषों से बहुत प्रेम रहा है। हाँ। लेकिन उनकी स्त्रियां जो है वह भी काफी आजाद ख्याल रही हैं। मेरा जो सवाल था वो है ये, स्त्री वादी मैंने नहीं कहा, मुझे ये पता है कि आप जो लिख रही थी, लेकिन जो जिस समय जो लिख रही थी, मैं मैत्रेयी जी से पहले ये सवाल पूछूंगा कि उनके यहाँ जो स्त्री है और प्रेम को लेकर जो उनकी परिकल्पना है, उनके यहाँ भी स्त्री आजाद ख्याल है। गांव की स्त्री है फिर भी बिंदास है, उनकी खुद की अपनी जो जीवनचर्या है और उन्होंने जो अपने बारे में कुछ छुपाया नहीं है, और बहुत बार बहुत सारे मंचों पर उनकी अपनी इस दृष्टि और सोच को लेकर सवाल होते हैं। मैत्रेयी जी, आपके यहाँ जो स्त्री है और जो प्रेम है, उसके उदात्तता तक आज आपकी कोई आदर्श स्त्री अगर है तो वह पहुंच पाई है क्या? क्योंकि बार बार सोशल मीडिया पर यह बात होती है और बाकी जगहों पर भी बात होती है। मैं जिन भी लेखिकाओं से, जो आज के समय की लेखिकाएं, मेरे एक दो सत्र भी आने वाले समय में ऐसे ही विषयों पर है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो स्त्री है वो अपने आदर्श समाज तक पहुंच सकी है क्या, उन संबंधों को जी पाने की स्थिति में पहुंच सकी है क्या? मैं इतने खुले समाज से नहीं आती। जो मेरी स्त्रियां हैं वो गांव की स्त्रियां हैं। गांव में कई तरह के बंधन होते हैं, वहाँ शादी को सबसे बड़ा वो मानते हैं कि ये यही आदर्श है। तो अब वो ऐसे तोड़ के एक आधी शायद जाती है, नहीं तो नहीं जाती, जो मेरे ख्याल में निंदा का भी विषय बनती है गांव में। तो जो तोड़ती है वो कहती है मैं नहीं रहूंगी, ये ऐसा है, क्योंकि वहाँ पुरुष में ज़्यादा लोग अवगुण देखते नहीं हैं, उसके अवगुण अवगुण नहीं माने जाते, उसकी मर्दानगी मानी जाती है। और ऐसा तो शहरों में भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं है। हम कुछ पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग कुछ भी कहें, लेकिन एक जो समाज है, मर्दाना समाज है, वहाँ तो अभी भी इतनी छूट तो नहीं है जितना हम सोच लेते हैं, साहित्य में लिख भी देते हैं। गांव में भी इतनी नहीं है, लेकिन मैंने तो एक नमूने के तौर पे कि हाँ स्त्री को ऐसा होना चाहिए, वो गांव की है फिर भी उसे ये कहना चाहिए, ये सोचना चाहिए, इस उसको मैंने रखना चाहा था कि ये होना चाहिए। अब होता है, कितना होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, क्या कहा जाता है, निंदा होती है उस पर, जरूर है कि सराहना तो होती नहीं है। वहाँ जब स्त्री अपना कदम आगे रखती है, आगे भी नहीं रखती, पुरुष के बराबर पे ही रखती है, तो उसे सोचते हैं ये आगे जा रही है। और हमारे संस्कार ऐसे हैं, अभी वो बदले नहीं है। महानगरों की बात मैं नहीं करती, महानगर में भी थोड़े से ही कुछ लोग हैं प्रबुद्ध हैं, वहाँ बदलाव आया है, आ रहा होगा। लेकिन अभी इस हमारे देश में जो ग्राम बहुल है वहाँ ऐसा इतना नहीं आया, बहुत इतना क्या नहीं आया, मैं तो ये बोलती हूँ। मैंने जो लिखे उपन्यास लिखे हैं उसमें उनको आगे ले जाना चाहा,
तो आपके ही इस शहर में साहित्य में उसकी इतनी आलोचना हुई, बहुत ज्यादा हुई और बड़ी लानतें बरसाई गई। तो अब जब यही नहीं, यहाँ समझदार लोग जिन्हें हम मानते हैं, जब उनको ही रास नहीं आ रहा, तो एक गांव का आदमी जो उन्हीं संस्कारों में पला बढ़ा है, उन्हीं संस्कारों को मानता है, कैसे मानेगा। आलोचना की बात से मुझे याद आया, मैं मृदुला जी को उनके उस समय में ले जाना चाहूंगा जब आपने चित कोबरा लिखी थी और जो ये सवाल बार बार आपके सामने आया होगा और आप सुन सुन के शायद थक भी चुकी होंगी, लेकिन जो आज की पीढ़ी सामने बैठी है, मैं उसको ये आप ही के मुँह से सुनना चाहूंगा कि जिस समय आपने उस उपन्यास को लिखा और जिस तरह के पात्र और जिस तरह के संबंध और उदात्तता रची आपने अपनी रचनाओं में, और उसके बाद जो बवाल मचा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि जब बात आलोचना की हो रही है तो मैत्रेयी जी को ये मैं कहना चाहता हूं कि आलोचना तो हमेशा से रही और बवाल भी हमेशा से रहा है। देखिए, ऐसा है कि चितकोबरा लिखा गया, बिल्कुल आराम से लिखा गया, 26 दिनों में लिखा गया, एक मिनट भी नहीं सोचा, एक मिनट के लिए भी नहीं सोचा कि उसमें कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे लोग नाराज हों। मुझे वो बहुत सात्विक उपन्यास लगा, प्रेम पर है और अशरीरी प्रेम भी है, शरीरी प्रेम भी है, प्रेम के उद्दात रूप पर है। अगर उसको लेके लोगों को तकलीफ हुई तो ये उनकी बदकिस्मती है और ये उसका जवाब वही दे सकते, मैं नहीं दे सकती। एक बार मैंने एक गोष्ठी में जरूर पुरुष, जो सारे पुरुष लेखक बैठे थे, उनसे इतना जरूर कहा था कि इतना बावेला मचाने के बजाय आप घर जाके अपनी अपनी पत्नी से पूछ लेते तो सच मालूम पड़ जाता, झूठ बोलती तो भी सच मालूम पड़ जाता, सच बोलती तो भी सच मालूम पड़ जाता। आज भी मेरी राय यही है कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो अपने अपने घर जाए और अपनी अपनी पत्नी से पूछ, मुझसे ना पूछें, क्योंकि मेरे लिए ये सारा जो बवाल था, जो भी था, बहुत ही बचकाना था, निहायत बेवकूफाना था, अहमकाना था, उसमें कोई मोरालिटी, कोई नैतिकता आती नहीं थी, उसमें विवेक आता नहीं था, किसी से कुछ मतलब नहीं था, वो सिर्फ एक मजे के लिए किया गया हंगामा था और कुछ नहीं था। इसलिए उसकी बात करते हुए भी मुझे लगता है हम बिना बात एक ऊंचाई पर रखी हुई चीज को नीचे खींच कर ला रहे हैं और उस पर फिर बातें कर रहे हैं। मैं कुछ और कहना चाहती हूं यहां पर, क्योंकि हम समाज की बात कर रहे हैं। अगर समाज बटा हुआ है, उसमें विषम है, विषमता है, वर्गीय विषमता है, जातीय विषमता है, धर्मों की विषमता है और नफरत फैलाई जा रही है, एक तबके के मन में दूसरे तबके के लिए नफरत फैलाई जा रही है, अगर समाज ऐसा है जिसमें बहुत सारे लोग बिना भरपेट खाए सोते हैं रोज, उसमें कुपोषण है, उसमें हर तरह का दुर्गुण है, तो ऐसे समाज में स्त्री कैसे शक्तिशाली हो सकती है? स्त्री क्या समाज नहीं है? स्त्री भी समाज है, और अगर ऐसा समाज है तो स्त्री भी ऐसी ही होगी। एक दो अपवाद हो सकते हैं, मगर स्त्री उन्हीं चीजों से गुजर रही होगी। हम जब कहते हैं कि बहुत दिनों से, जब से मैंने लिखना शुरू किया है, एक वाक्य बार बार सुनकर मैं आजिज आ गई हूं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। अगर साहित्य समाज का दर्पण होता है तो खासी वाहियात चीज होती है, क्योंकि दर्पण क्या करता है? आपकी तस्वीर दिखलाता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं कर देता है, बस इतना फर्क करता है। अगर वही करना है तो पत्रकारिता उसको कहीं ज्यादा अच्छी तरह करती है। उनका जो दर्पण है बहुत बड़ा होता है, बहुत लंबा चौड़ा होता है, और उसमें वो आपको बराबर जो यथार्थ है, जो समाज है, उसको दिखलाए चले जाते हैं, दिखलाए चले जाते हैं, जब तक कि आप बोर ना जाए, जब तक आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाए कि आपके भीतर कोई संवेदना शेष न रहे, आपको क्रूरतम से क्रूरतम चीज भी क्रूर ना लगे और आप सब कुछ एक्सेप्ट कर लें, सब कुछ स्वीकार्य हो जाए आपको, तो साहित्य अगर यही करेगा तो बहुत ही वाहियात चीज होगी। मैं कहती हूं कि साहित्य समाज का दर्पण नहीं होता, समाज साहित्य का दर्पण होता है। कैसे होता है कि जो साहित्य करता है
वो ये करता है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है? दो अंतर होते हैं। एक, पशु के पास जबान तो ध्वनि होती है, जबान होती है, भाषा नहीं होती। मनुष्य के पास भाषा होती है। दूसरा अंतर यह है कि पशु अंतःप्रज्ञा से काम करता है, वो अपने भाव दूसरे पर प्रकट कर सकता है मगर अंतःप्रज्ञा से काम करता है। उसके पास लॉजिक रैशनैलिटी नहीं होती, वो सोच विचार कर तार्किकता के संग निर्णय नहीं ले सकता, नहीं लेता, मनुष्य लेता है। मनुष्य भी अंतःप्रज्ञा से काम करता है, काफी बार काफी साहित्य अंतःप्रज्ञा से ही लिखा जाता है मगर वो अंतःप्रज्ञा जन्मजात नहीं होती, वो अंतःप्रज्ञा विकसित होती है पूरे जीवन भर के दर्द से, जीवन भर के ज्ञान से। आपने विस्लर्स मदर पेंटिंग के बारे में जरूर सुना होगा। विस्लर्स मदर, एक विस्लर ने एक पेंटिंग बनाई और उसके बहुत कम दाम दे रहा था ग्राहक, तो उसने उसको नहीं दी, देने से मना कर दिया। तब अदालत ने पूछा, आपको इस पेंटिंग बनाने में कितना समय लगा था? उसने कहा 4 घंटे लगे थे। अदालत ने कहा, 4 घंटे की मेहनत के लिए आप इतना पैसा मांग रहे हैं? उसने कहा, नहीं, मैं 4 घंटे की मेहनत के लिए पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं जीवन भर के ज्ञान के लिए पैसा मांग रहा हूं। तो लेखक भी जो उसका जीवन भर का दर्द होता है, जो उसने भुगता होता है सिर्फ अपने लिए नहीं, आप तमाम लोगों के लिए, पूरे समाज का जो दर्द उसने अपनी रगों में भुगता होता है, उससे जो उसके भीतर ज्ञान उत्पन्न होता है, जानकारी नहीं ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे वो अपने साहित्य में लिखता है। मैत्रेयी जी, आप मुझे एक वाक्य और बोलकर मैं खत्म कर रही हूँ। फिर वो जो लिखता है, अगर समाज उसकी उसको पढ़ता नहीं है, उसकी कद्र नहीं करता, तो बेकार है। 1 लाख लोग भी साहित्य लिखें तो वो बेकार है, पूरी तरह से बेकार है, अगर हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां कोई साहित्य पढ़ना नहीं चाहता, जहां कोई, हर आदमी साहित्यकार है, हर आदमी के भीतर साहित्य गुण है, अगर उन गुणों को नहीं पहचानता तो हम लोग बेहतर है कि न लिखें। मैत्रेयी जी ने, आप मृदुला जी जो कह रही हैं, पूरे जीवन इन्होंने लिखा, सर्जा, और बहुत ही पढ़ी गई। आप भी बतौर लेखक जो समाज में आपका, आप स्थापित हुई हैं, आप उसके सम्मान को अपने नकार नहीं सकती। भारतीय समाज ने अपने लेखकों की, चाहे जितनी भी आलोचना की हो, हंगामा किया हो उनकी कृतियों पर, लेकिन उन्हें पढ़ा भी खूब है। मैं भारतीय समाज की जो मानसिकता है अपने लेखक के प्रति और उसकी कृतियों के प्रति, मैं चाहूँगा उस पर आप अपनी बात कहें, क्योंकि मृदुला जी एक बात कह चुकी हैं कि लेखक क्यों लिखता है, उसके पूरे जीवन का एक कर्म है, अनुभव है, ज्ञान है, वह उसको सर्जता है। मैं ये चाहूँगा कि उसके आगे का पार्ट है कि जो पाठक आपका है, वह जिस समाज की बात ये कर रहे हैं कि 1 लाख साहित्यकार, हर आदमी साहित्यकार हो सकता है, आप उसके आगे की बात बताएं कि जो साहित्यकार किस तरह के समाज की उम्मीद करता है अपने साथ, अपने लिए। देखिए, समाज तो उत्तरोत्तर विकास करे इसी की करता है, लेकिन जो लेखक लिखते हैं और पाठक से उम्मीद करते हैं कि वो पढ़े, जब तक उसकी जिंदगी झलकेगी नहीं उसमें, जब तक आपके लिखे में उस पाठक की जिंदगी उसको दिखेगी नहीं, वो नहीं पढ़ेगा। वो पढ़ेगा भी तो थोड़ा सा करके रख देगा किताब को, ज़्यादातर तो ऐसा होता है, लेकिन जब मन लगा के पढ़ेगा तो निश्चित है कि उसे अपने से कहीं सामंजस्य लग रहा होगा कि नहीं नहीं ऐसा ही तो है, हमारे जीवन में भी तो ऐसा है। तो मैं तो ये जो बहुत, मेरे पाठक बहुत उस तरह के नहीं हैं कि बहुत प्रबुद्ध हों, मेरे पाठक गांव के हैं, तो वो तो सरल भाषा, सरल जीवन जैसा उनका होता है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनका बहुत सरल जीवन होता है, कॉम्प्लिकेशन वहाँ भी होते हैं, वो अपनी तरह से निपटाते हैं। वो तो जब हम उसकी जिंदगी, अपने पाठक की जिंदगी, हमें नहीं पता कि वो हमारा पाठक बनेगा कि नहीं, मैं यहाँ पाठक शब्द प्रयोग कर रही हूँ,
जब तक हम उस मनुष्य की जिंदगी अपनी रचना में नहीं देते वो नहीं पढ़ेगा। पढ़ता वो है, हाँ यहाँ मुझे ये लग रहा है, हाँ ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो मेरे साथ हुआ, ऐसा ही तो मेरे पड़ोसी के साथ हुआ, तो उसकी बहुत निकट की चीज होती है साहित्य को पढ़ना। अब तुलसीदास की चौपाइयाँ क्यों जगह जगह पे कोट कर दी जाती हैं, गांव में भी कर देते हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसी से मिलता जुलता जीवन है। जब जीवन से मिलता जुलता जीवन उसमें दिखेगा, जब जीवन की जो भी दिक्कतें हैं या जो भी खुशियां हैं या उत्साह हैं उल्लास हैं वो सब दिखेगा, तभी वो उसको उठाएगा। तो वो ये नहीं कि नहीं मैं साहित्य पढ़ रहा हूँ, वो साहित्य नहीं पढ़ रहा, वो अपनी जिंदगी पढ़ना चाहता है, मुझे ऐसा लगता है। और ऐसा मैंने महसूस भी किया है कि वो लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जो लिखा वो फर्क है, मृदुला जी ने जो लिखा वो फर्क है, हम दोनों का बिल्कुल फर्क है मामला। तो मेरे पाठक उस तरह के हैं जो उस तरह की जिंदगी बड़ी जो गांव की जो कॉम्प्लिकेटेड तो वहाँ भी होती है लेकिन बड़ी साधारण सी जिंदगी होती है, यहाँ शहर में तो पता ही नहीं लगता कि किसकी कैसी जिंदगी है, वहाँ तो तुरंत पता लग जाता है कि किसके घर क्या हो रहा है, यहाँ तो पड़ोसी का ही नहीं पता कि क्या हुआ, कितने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं पता नहीं चलता क्या हुआ कैसे हुआ था। तो ये फर्क है यहाँ पे, हम सारी चीजें कैसे पता करें, कैसे लाएं और हमारे पाठक को कैसे विश्वास बैठे। मैं तो इस चीज को लेके चलती हूँ कि पाठक को विश्वास होना चाहिए हमारे लिखे पे और उसको अपनी झलक उसमें अगर दिखेगी तो जरूर पढ़ेगा। मैं गणेश जी ऐसे ही सोचती हूँ। मृदुला जी एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम लोग समय सीमा से काफी पीछे चल रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि इन दिनों आप क्या लिख रही हैं और दूसरा अभी भी कुछ दर्ज कर रही हैं क्या कुछ लिखने के लिए, कुछ दर्ज कर रही हैं लिखने के लिए कि मुझे ये लिखना है अभी मैं लिख रही हूँ ये? उपन्यास नहीं है, संस्मरण है, उसका नाम है वे नायाब औरतें। उसमें ये सब औरतें हैं जो खपती खिसकी हुई लीक से हटी कतार से बाहर हैं, जो मुझे जिंदगी भर में मिली हैं, लेखिकाएं बहुत कम हैं, और उसमें पुरुष भी हैं। कुछ पुरुष काया में पुरुष होते हैं मगर अंतर मन से स्त्री होते हैं, तो वो सब पुरुष भी हैं उसमें, नायाब स्त्रियों में। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, आखिरी वाक्य, कि मैं इस बात से असहमत हूं कि अगर हम अपने को देखते हैं साहित्य में तभी वो हमें पढ़ने के लिए आकृष्ट करता है। मुझे लगता है जब हम पढ़ते हैं और हमें लगता है कि ये मैं नहीं हूं मगर हो सकता था, बाल बाल बच गया, तब वो किताब हमें बेहद आकृष्ट करती है। मैत्रेय जी ये सवाल आपसे भी है, आपका जो ताजा उपन्यास अभी पिछले दिनों आया है वो दिल्ली की राजनीति पर है, आपके अपने अनुभवों पर है, उसके बाद क्या दिल्ली की तो राजनीति जो दिल्ली में सरकार है वह जिस तरह से काम कर रही है उस पर जिस तरह से आपने लिखा है, कोई भी व्यक्ति जो अगर दिल्ली को जानता होगा और पढ़ता समझता होगा जो भी, उसको सारे पात्र सामने खड़े हो जाएंगे कि ये कौन से पात्र किसकी बात कर रही हैं। तो आपका जो अपना अकादमी का अनुभव था और जो आप दिल्ली हिंदी अकादमी में वो आपने दर्ज कर दिया उपन्यास के रूप में, अब क्या लिख रही हैं? लेखक खोजी होता है तो वो खोजता रहता है, तो अब कुछ ऐसा ही खोजेंगे जिसमें पात्र दिखाई दें, सब लोग पहचाने, हाँ यही है इसी ने किया, हमारे साथ भी किया था ऐसे ही, तो मैं वही कहती ना खुद दिखे जाओ उसमें, तो अब वही हमारी निगाह में है कि ठीक है अब वो भी आने चाहिए जो असल में उसकी परवाह तो लेखक करता नहीं है कभी कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या समझेगा, कोई अपने को पहचान जाएगा। तो जो पांडे जी कह रहे हैं मेरी किताब ने, मैं उसमें सबने पहचान लिया होगा खुद को, औरों ने भी पहचान लिया होगा, लेकिन पहचान होनी चाहिए कि किस लिए लोग वहाँ हैं और क्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है खोलना, ये खतरनाक भी है, जब हम कोई चीज ऐसी खोलेंगे खतरनाक तो है ही, लेकिन लेखक वो क्या जो खतरों से डर गया, तो इसलिए ही लिख दिया।
बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इस समय में भी सुनने के लिए लोग उपस्थित रहे। और हम चूंकि विलम्ब से चल रहे हैं, जो सूची थी उसके हिसाब से हम 40 मिनट पीछे हैं, तो मंच दूसरों को सौंपते हैं। और धन्यवाद बहुत बहुत।